दोस्तों आज गांधी जयंती के अवसर पर शहीद पार्क चौक में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रभारी मंत्री बलिया के दया शंकर मिश्र दयालु भी मौजूद हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो आज गांधी पार्क में मंत्री का आप देख सकते हैं कि मंत्री जी यहाँ पर जिला अधिकारी महोदय हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी। तो आज दया शंकर मिश्र दयालु बलिया में है और बलिया में बहुत ही बेहतरीन तरीके से गांधी जयंती का आयोजन चल रहा है। आज उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, ये दोनों महापुरुषों के बारे में आज विस्तार से मंत्री जी ने अपनी बात रखी और देश के प्रति, जनपद के प्रति उन्होंने आज ये बताया कि आज भी गांधी के विचार, लाल बहादुर शास्त्री के विचार जिंदा हैं। सभी लोग उसको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और उस पर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि शहीद पार्क चौक गांधी पार्क के अधिकारियों का चल रहा है, मुख्य विकास अधिकारी की गाड़ी देखी जा रही है, जिला अधिकारी की गाड़ी भी देखी जा रही है। तो आप आज बलिया में जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि बलिया में इसलिए होता है कि 1942 की बात करें, जब बलिया आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी का संदेश बलिया में, तो आज जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और एडीएम साहब की भी गाड़ी देखी जा रही है और मंत्री की भी गाड़ी देखी जा रही है। साथ आज ये आयोजन बड़े ही बेहतरीन तरीके से सफल हो रहा है। बलिया में गांधी जयंती बड़े ही जानदार और शानदार तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है। आज शहीद पार्क चौक के सामने जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये अभी जो कार्यक्रम आयोजित था उसमें लोग शामिल थे, जिसमें मंत्री थे, विधायक थे और भी अधिकारी थे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी थे यहाँ पे। तो दोस्तों आज का ये कार्यक्रम बलिया में पूरे दिन का है, जो विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की बात हो रही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े रहने से बलिया। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।